तो आज हम एक ऐसी टीवी के बारे में बात करने वाले हैं जो बाकी ब्रांड्स को मतलब सैमसंग सोनी ये सबको बीट करेगी क्योंकि उसका जो प्राइसिंग रखा हुआ इतना अट्रैक्टिव है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ MI के 4A 32 इंच की जो टीवी लॉन्च हुई है 28 फेब को। दोस्तों इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और इसके स्पेसिफिकेशन क्या है और इसकी प्राइसिंग तो भैया इतनी इंटरेस्टिंग है और इतनी अट्रैक्टिव है कि आपको मुझे तो लगता है आप ले ही लोगे। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों धमाकेदार टीवी का नाम है MI 4A 32 इंच की और इसके स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 2 USB पोर्ट 3 HDMI पोर्ट मिलते हैं। इसी के साथ साथ आपको 20 वॉट का स्पीकर मिलता है, तो 10 वॉट का एक साइड में, 10 वॉट का एक साइड में, दो अलग अलग स्पीकर मिलते हैं, टोटल मिला के 20 वॉट का स्पीकर हो जाता है। और इसी के साथ साथ आपको एक 3.5 mm का जैक भी मिलता है इस टीवी में। प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं तो इसमें 64-bit क्वाड कोर प्रोसेसर यूज किया हुआ है और उसमें 1 GB RAM है और 8 GB का इंटरनल स्टोरेज आपको इस टीवी में देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आपको यूट्यूब और क्रोम कास्ट इस टीवी में इनबिल्ड आपको मिलने वाला है। दोस्तों ये बात हो गई स्पेसिफिकेशन के बारे में, अब इस टीवी के लुक्स की बात कर लेते हैं कि इस टीवी का जो बिल्ड डिजाइन है वो कैसा है। तो इस टीवी की मैं अगर बिल्ड डिजाइन की बात करूं तो ये पूरा टीवी प्लास्टिक से बना हुआ है। अगर आप मेटल से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये मेटल इसमें दूर दूर तक आपको इस टीवी में देखने नहीं मिलने वाला। दूसरी बात, इस टीवी में आपको ब्लूटूथ नहीं मिलने वाला। अगर ब्लूटूथ होता तो शायद से आप जो इसका 20 वॉट का स्पीकर है उसको इनहांस कर सकते थे। अगर अच्छा स्पीकर होता आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके यूज करते, हालांकि आप यूएसबी पोर्ट के थ्रू आप अपना स्पीकर लगा सकते हो या होम थिएटर जो भी है लगा सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो टीवी में होता है उसका डिस्प्ले। डिस्प्ले इसमें HD डिस्प्ले है जो MI कहता है कि इसमें अल्ट्रा ब्राइट LED डिस्प्ले यूज किया गया है जिसके थ्रू आपको कलर्स काफी विविड दिखेंगे और काफी अच्छा विविंग एंगल्स भी इसमें आपको मिल जाएगा इस टीवी में, ऐसा MI का दावा है। काश की टीवी अगर 4K में होती तब तो क्या बात होती, लेकिन अगर 4K में बात करूं तो 4K आई थिंक 43 इंच के बाद ही मिलता है क्योंकि उसका रेजोल्यूशन भी 720p का ही होता है, तो आपको 4K तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और हालांकि MI की 43 इंच वाली टीवी में आपको 4K कंटेंट देखने मिल जाएगा, 4K टीवी है वो। दोस्तों इस टीवी में आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी बात है इस टीवी की। और इसी के साथ साथ अगर मैं गूगल असिस्टेंट की बात कर रहा हूं तो इसमें जो रिमोट है, रिमोट काफी मिनिमलिस्टिक दिया गया है, काफी एकदम लिमिटेड बटन्स है इसमें, और इसमें जो वॉइस कंट्रोल्ड है काफी प्रॉपरली काम करता है, बहुत ही इफेक्टिव है। और इसके जो सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन है वो भी बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं इस टीवी में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है, तो जो मुझे पर्सनली बहुत बहुत पसंद है MI के थ्रू। तो इसका प्राइसिंग पहले था कुछ 15,000 के आसपास, लेकिन आज लॉन्च इवेंट में उसका प्राइस मनु कुमार जैन जी ने क्लियरली मेंशन किया कि 12,500, मतलब 12,499 कम, मतलब 12,500 रुपए में से 1 रुपया कम इसकी प्राइसिंग रखी है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव है। बाकी सब ब्रांड भी आपको इतने में मतलब ये स्पेसिफिकेशन देते, लेकिन जो उसके चार्जेस होते हैं बहुत ही हाई फाई होते हैं। मतलब आप सैमसंग LG सोनी को अगर मैं कंसीडर करूं तो उनके प्राइसिंग ये स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बहुत ही हाई होते हैं। तो इस टीवी को अगर आप परचेस करने का प्लान करो तो आप जरूर इस टीवी को कंसीडर करिए, आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस टीवी। तो दोस्तों इस टीवी को अगर मैं समराइज करना चाहूं तो इसके 3 फीचर मुझे बहुत अच्छे लगे, जो कि है उसका फर्स्ट, उसका डिस्प्ले। कोई भी आप टीवी ले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उसमें डिस्प्ले, तो इसमें MI बोलता है कि इसमें अल्ट्रा ब्राइट LED डिस्प्ले यूज किया हुआ है। और दूसरी बात, इसमें वॉइस एनेबल्ड आपको रिमोट मिल जाता है। और तीसरा, इसका प्राइस ही काफी अट्रैक्टिव है और मुझे लगता है कि ये प्राइस रेंज में MI धूम मचाने वाला है मार्केट में। तो आप बताओ कि ये आप टीवी लेने का प्लान कर रहे हो या कौन सी ब्रांड का टीवी आप पसंद करोगे ये प्राइस रेंज में, या आपको ये टीवी कैसे लगी जरूर बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को ये टीवी कैसी लगी। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जो लोग नए सब्सक्राइब करो हमारे हैप्पी गाइड चैनल को, और आपको मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड। बाय बाय।